दोस्तों आपने एक न्यूज तो सुनी होगी ना पठान को लेकर कि अभी हाल ही में पठान को अनऑफिशियल तरीके से पाकिस्तान में रिलीज कर दिया गया बहुत ही खुफिया जगहों पर जहाँ उसकी टिकट का रेट 900 रुपये है। उसके बाद अब एक और बड़ी खबर निकल गई दोस्तों चीन में, जी हाँ दोस्तों चाइना में, चीन में बिना रिलीज हुए 10 करोड़ डॉलर कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन चुकी है किंग खान की पठान। आइए जानते हैं क्या पूरी खबर। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान ने रविवार को 12 दिनों में अपने वर्ल्ड वाइड बेस पे 10 करोड़ डॉलर की कमाई कर ली है। इसके साथ ही वह पठान चीन में बिना रिलीज हुए 10 करोड़ डॉलर कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन चुकी है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार तक पठान की कमाई 103 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। यह पहली बॉलीवुड फिल्म है जो चीन में बिना रिलीज हुए 100 मिलियन डॉलर के इस पत्थर को उसने चूम लिया दोस्तों। और इस रिपोर्ट के अनुसार आमिर खान की फिल्म दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार दोनों बॉलीवुड फिल्में दुनिया भर में पठान से आगे हैं, लेकिन इसमें चीन का कलेक्शन भी शामिल है। दोस्तों फिल्मों को ऑडियंस ने बहुत ही ओहो प्यार दिया है और खास तौर पर चाइना की ऑडियंस ने इसको अनऑफिशियल तरीके से डब करके वापस रिलीज कर दिया गया है। इस तरह विश्व स्तर पर सलमान खान की बजरंगी भाईजान फिल्म भी पठान से आगे है जिसको चीन में ऑफिशियली डब करके रिलीज किया गया था। हालांकि चीन में पठान के लिए रिलीज को लेकर कोई भी बात सामने नहीं आई है। तो बेसिकली वहाँ पे जो फैन लोग होते हैं जो किंग खान को पसंद करते हैं या फिर जिनको कोडिंग आती है, डबिंग आती है, जिनको भाई हिंदी टू चाइना की आती है कोडिंग, वो लोग अब पठान को अनऑफिशियल तरीके से डब करके अपनी चाइनीज भाषा में चिंपे 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 करके तो वहाँ पे वो रिलीज करके पठान को देख रहे हैं। बट वहाँ पे अभी भी पूरे चीन में दबदबा सिर्फ एक ही खान का है, वो है आमिर खान। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज़।